पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट मतलब पिन माय इंटरेस्ट। दोस्तों ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसी प्रकार पिंटरेस्ट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पिंटरेस्ट पर आपको बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। इससे आप अपने कोई भी काम करने का आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि आपको घर बनाना है तो आप इसमें आप अपने घर का एक्सटीरियर डिज़ाइन देख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको ढेरों प्रकार के डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिंटरेस्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें पिंटरेस्ट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। दोस्तों अगर आप इसे कंप्यूटर पर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पर जाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, हमें लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें गूगल या फेसबुक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमारा अकाउंट दोस्तों ऑलरेडी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ था। इसके बाद यहाँ हम होम पेज पर एंटर हो जाएंगे, जो हमें नीचे स्लाइड्स पर शो कर रहा है। जैसे कि दोस्तों इसमें हमको रैंडमली इमेज शो हो रहे हैं, इसमें आपको बहुत से इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही हम कोई भी इमेजेस पर क्लिक करते हैं तो आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप क्रिएट बोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पर तीन डॉट्स देखने को मिल रहा है। यहाँ जाएंगे तो आपको एक शेयर टू दिस पिन दिखा रहा है और एक डाउनलोड इमेजेस। अगर आप डाउनलोड इमेजेस करते हैं तो ये परमानेंटली आपके में स्टोर हो जाता है गैलरी पर। उसके अलावा दोस्तों अगर ये आपको एक राइट साइड पर एक लेंस बटन देख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसे स्कैन करके इससे रिलेटेड आपको कुछ और इमेजेस शो करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको होम पेज पर ये बहुत से इमेजेस शो करते हैं, जिसमें आप पर कोई भी पर क्लिक करेंगे तो आपको वही सेम ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद नीचे आपको कुछ स्लाइड्स में ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि सर्च। दोस्तों जैसे ही आप सर्च पर जाते हैं आपको ऑलरेडी कई ऑप्शन दिखाई दे देते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइंस। तो एक्सटीरियर डिज़ाइन पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो ऐसे ही हमें बहुत से ऑप्शन दिखाई दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर में कैसा आपको डिज़ाइन चाहिए, हाउस, मॉडर्न, रेस्टोरेंट के लिए या फिर और कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप कोई भी इमेज पर क्लिक करते हैं तो आपको वही सेम ऑप्शन मिलता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ स्कैन करते हैं तो इससे रिलेटेड डिज़ाइन के और बाकी भी हाउस के डिज़ाइंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं इसके सबसे खास फीचर्स की बात करने वाला हूँ। जो हमें ऊपर पे एक कैमरा का आइकॉन मिलता है, हम उस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद अगर कोई भी इमेजेस का फ़ोटो लेते हैं तो जैसे ही इसको थोड़ा देर स्कैन करता है दोस्तों इमेज को, उसके बाद उससे रिलेटेड फ़ोटो हमें दिखाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही कुछ आइडिया लेना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड्स पर नोटिफिकेशन बटन मिलता है, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कुछ मिलते हैं, इनबॉक्स मिलता है अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, सेव बटन दोस्तों जो मैंने सेव करके ले रखा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि अभी मैंने सेव किया था। इसके अलावा आपको ऊपर में थ्री डॉट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप एडिट बोर्ड, मर्ज ऐसा कुछ कर सकते हैं। एडिट करने पर दोस्तों आप फिर से अपना बोर्ड का नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर कोने पर ऐसा आपको आइकन भी दिखाई देगा, जैसे कि मेरा आर दिखा रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर पर ये आपको सेटिंग बटन देखने को मिले, यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों साथ में यहाँ पर आर लिखा है, वहाँ पर आप अपने खुद के फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। और अकाउंट सेटिंग पर जाएंगे दोस्तों तो आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड वही सब दिखाई देगा, यहाँ से आप अपना डीएक्टिवेट कर सकते हैं अकाउंट और यहाँ से परमानेंटली क्लोज का ऑप्शन आता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।